अभी यहाँ पर भी कह रहा है कि वो रंग है, लेकिन क्योंकि अभी मौसम खुश्क है, ड्राई मौसम है, तो वो रंग अभी आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। ये तो लगता है मैं किसी और प्लेनेट पे आ गया हूँ, मरीख पे आ गया हूँ। चोटी के ऊपर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई हैं, वो लग रहा है कि वो किसी ने हाथ से उसके ऊपर रखी हैं ऐसे ही। सिर्फ बीच में यार ये सिर्फ एक ये खड़ा हुआ है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्रॉम जंजान इन ईरान। इस टाइम बजे सुबह के 5:15, सुबह 5 हो रहे हैं एंड वेलकम बैक। अभी हम जो है जा रहे हैं जी यहाँ पे इस जंजान के आसपास, एक तो जगह है देखने वाली, हिस्टोरिक भी हैं और काफी खूबसूरत भी हैं। बेसिकली टोटल 3 जगह हैं। एक तो है कि खूबसूरत माउंटेन्स, मल्टी कलर माउंटेन्स हैं, वो चल के देखते हैं हम। होपफुली कि वहाँ पे शायद हमें कोई चांस मिल जाए ड्रोन उड़ाने के लिए, तो हम शायद वहाँ पे ड्रोन उड़ा लें। और उसके बाद हमने एक यहाँ पे है वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट डोम मेड ऑफ ब्रिक्स, सुल्तानिया का डोम जो है, वो एक किंग था उसका वो डोम है, तो वो चल के देखेंगे। और उसके बाद तीसरा जो है वो है हमारे पास जनाब यहाँ पे बहस्तान कासल, वो भी काफी एंशंट है, तो हम वो चल के देखेंगे। और फिर हम इंशाल्लाह वापस यहीं पर रंजान में आ जाएंगे एंड देन विल कंटिन्यू टुवर्ड्स तबरेज। आज का हमारा प्लान थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेदर यहाँ पे अच्छा है, तो यहाँ पे जो है इस तरीके की चीजें यहाँ पे की जा सकती हैं। अब इस टाइम हम यहाँ पे तबरेज में, मैं अकेला बंदा मोटरसाइकिल पे इस टाइम रोड फिर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम सुबह के 5:15 हो रहे हैं, कोई नहीं उठा हुआ। ज्वाइन मी टुडे ऑन दिस ब्यूटीफुल एडवेंचर हियर इन ईरान। तो ये है जी ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स ऑफ जंजान। छोटा सा काफ़ी अच्छा शहर है, काफ़ी पुरसकून, काफ़ी यहाँ पे वो हैसल जो है जो हमें देखी थी तेहरान में, वो तो खैर यहाँ पे नहीं है। आप तो मेरे सामने शहर का व्यू चेक करें, उसके पीछे पहाड़ और बीच में जो है शहर, वैली जैसा, गिविंग अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ जंजान। हमने कब लास्ट टाइम इस तरह की खूबसूरती और इस तरह की ग्रीनरी जो है या ईरान में देखी थी, सिवाय जब हम उधर थे शुमाल में, शुरू में जब हम आए थे, तो जब हम वहाँ पे गए शुमाल में गए थे तो बस कैस्पियनसी वहाँ पे तो खूबसूरती थी, उसके बाद तो खुश्की। लेकिन आज वी हैव योर ब्यूटीफुल व्यू। अब इस रास्ते का मुझे नहीं पता कि आया ये रास्ता जो इस तरीके से पेव्ड वे होगा या बीच में कोई ऑफ रोड भी आएगा। ऑफ रोड करने का मेरा बहुत दिल कर रहा है, लेकिन हमारे बिल्लों पे जो ऑफ रोड करना उसका मुझे वो जो है ट्रस्ट फिलहाल आई थिंक नहीं है। एक तो मैंने आपके पहले बताया था कि इसका पिछला टायर है, आई थिंक उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक रैक है, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कंट्री में पहुंच के, चाहे वो तुर्की है या आर्मेनिया है, वहां पहुंच के हम उसको चेंज करवाएंगे। दूसरा जो ऑयल वगैरह का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से अभी इस टाइम इसके ऊपर कोई वेट तो कोई नहीं है, सारा लगेज वो मैंने उतार के रख लिया हुआ है। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू अराउंड मी, आई मीन ये इमेजिन करना मुश्किल है कि ये वाला व्यू जो है आपको यहाँ मिलेगा ईरान में। यह मैं नज़र आए थे लास्ट ईयर मंगोलिया में या किर्गिस्तान में, वहाँ के व्यू तो ये वाले थे, ऐसे खूबसूरत थे। लुक एट दिस, वाओ। यहाँ पे जो रोड है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बनी हुई है, और इस रोड के आसपास के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। खुदे क्या खरगोश। खुदे वो उधर भाग गया, बड़ी स्पीड मारी है भाई उसने। Look at this view here. आगे रोड नहीं है, सिर्फ यहाँ तक रोड था। ओके, ये कौन सा गांव है? खयाबान इमाम हुसैन। ये वाला गांव तो यार काफी खूबसूरत जगह पर है। जो डिस्टेंस में नज़र आ रहे हो छोटी पहाड़ियाँ, आई थिंक ये वाली पहाड़ियाँ जो हैं ये वो वाली पहाड़ियाँ जो मल्टी कलर्स हैं। अभी भी दिखा रहे तकरीबन कोई 25 किलोमीटर है महानिशान, और वो पहाड़ियाँ जो है वो महानिशान के रास्ते में हैं, तो आई थिंक वो ये वाली हैं। बट दिस द राइड अंटिल नाउ इज ब्यूटीफुल। थोड़ी सी ठंड है, लेकिन ये वाली ठंड जो है वो अच्छी है।
आज का दिन का जो हमारा जो है ना मेहनत, वो तो इसको देख के पूरी हो गई। और पहाड़ों का आप स्ट्रक्चर चेक करें, ये वाले पहाड़ मेरे आसपास, इसमें ये रेतले और पत्थर हैं, और उसके बाद साथ में और पहाड़ हैं जहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं। सो मिक्स ऑफ एवरीथिंग, और इसी की वजह से जो है ना वहाँ पे कलर्स आते हैं। इस टाइम आई डोंट नो व्हाई आई डोंट सी द यहाँ पे जो मुख्तलिफ कलर्स, क्योंकि शायद ये गर्मी का मौसम है इसलिए, और जो फोटोज में दिखाते हैं वहाँ पे वो थोड़ा सा कुछ और मौसम होता होगा, जिसकी वजह से कलर जो है वो सारे क्लियर नज़र आते हैं। इससे मैं पूछता हूँ, ये गाड़ी सामने आ रही है, आगा रुक जा, चलो आगे से किसी चल के पूछते हैं क्या ये वाकई में यही वाली पहाड़ियाँ हैं या कहीं और तो नहीं जाना पड़ता। लेकिन जो मैंने फोटोज देखे हैं वो इसी तरह के लग रहे हैं। आप इस वाले पहाड़ को चेक करें, इसका स्ट्रक्चर, इसका कलर, इट्स ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। पहाड़ों की यार आप कलर चेक करें यहाँ पे, यार लुक एट दिस हियर, ये देख सिर्फ बीच में यार, ये सिर्फ एक ये खड़ा हुआ है, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, लुक एट दिस, वाओ। और यहाँ पे इतनी खामोशी है, कहाँ से हम उधर चलें, कोई रास्ता है यहाँ से वहाँ जाने का? लेट्स सी अगर हम यहाँ से जा सकते हैं उधर, क्योंकि वहाँ पे जाना तो बनता है ना यार। ये हमारा, अगर हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम यहाँ तक ना जाएं, वाओ दिस इज़ ब्यूटीफुल। अब इसका आपने जो है ना गलत मतलब नहीं निकालना कि ये है क्या, लेकिन दिस इज मेरे लिए वंडर है। इस तरह के मैंने फोटोज देखे हैं जो तुर्की में है, लेकिन यहाँ पे जो है ना इस तरह की ये चीज़, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। यार अब ये एक मैजिक नहीं है, किस तरह एक टावर ही खड़ा है बीच में, उसके आसपास कोई स्पोर्ट नहीं, कोई उसके आसपास चाहे पहाड़ और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ये खड़ा हुआ है। यहाँ से किसी चल के पूछते हैं, हेलो सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, आज़ात्रिश सलाम सलाम आगा, एंजा कुजा अस्त मानशी सलाम आगा, कुहाई रंगी मानशान दिए हाँ, कुहाई रंगी मानशान, कुहाई रंगी, अरे कुहाई रंगी मतु मानशान है, चंद किलोमीटर अंजा बयात वेद दह किलोमीटर, दह किलोमीटर मुस्तकीम, असल ज़्यादा ताबलो ज़्यादा मानशान, मानशान, अरे मानशान ताबलो दारे तारीख मानिशान तबलो दरी, ओके 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 खैर, ओके ओके जरदालू, शुक्र हाँ अहले कुचाई मान आज उत्रीस 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 मोटर बात केश्ती आवर दी गुजार शक्य है, हाँ गुजार शक्य है, फिल्म में गिरी जान करते हैं जहांगीर, जहांगीर फिल्म की रही, हां या आगा एक तो और भी दो मुझे, इट्स टू टेस्टी, खुश जायका, खुशमजा, ممنون, हां इनफ इनफ इनफ, जीप ना दे, हां काफी काफी, मेरे जेब में जीप योक तो तन्हाई, तन्हा तन्हा तन्हा, चैन उजमदी 5 माह, 5 माह है, 5 माह कोजा मिमुनी शबा, तुर्की है, तुर्की है, ओके ममनू, चाय आप, तशक्कुर तशक्कुर शुक्र ममनू, सलाम अलैकुम। अरे यहाँ पे ये वाला सामने ये स्ट्रक्चर है, ये इसे यहाँ पे लिखा तख्त सुलेमान, लुक एट दिस, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, इसका स्ट्रक्चर चेक करें, टेबल की तरह वो लग रहा है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डे इन ईरान, आप चाहे हर कॉर्नर पे जो है ना व्यूज ऑफ से वाला, और आई थिंक ये वाला जो है पहाड़ ये है कोहे रंगीन, क्योंकि यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये भी क्योंकि इस टाइम सूरज की रोशनी आ रही है सामने से, लुक एट दिस देयर, आगा सलाम कोहे रंगीन,
Kuerang kujast. Oja. Kuerang. Anja. Aha, kuhai rangi. Kuhai rangi. Kuhai rangi. Kuhai rangi. Orkish mishe ala daglash. Ala daglash. Okay, kuhai rangi kujast. Kuhai rangi ro baad manishan ro rad koni be samte yengiche. Baad manishan? Baad manishan. Okay. Baad کوههای رنگی الان زیاد چیز نداره مثلا فصلش زمان بارندگی بهار باید مثلا از زمان بهار زمان بهار خوب است زمانی که زمین خیس میشه رنگاش همه چیز مشخص میشه الان این کوها رو نگاه کنین اینا هم تقریبا رنگی هستند ولی چون دیگه موقع تابستون همه چی داره خشک میشه زمانی که نم داشته باشه رنگشو مشخص میشه اوکی بعد ینگیجه میشه ماهنشان چند کیلومتر بعد ماهنشان بعد ماهنشان 15 کیلومتر 15 کیلومتر اوکی اوکی ممنون آقا کنار رودخونه مستقیم به فرسین میگم بگیم سمت ینگیجه اوکی آقا تشکر ممنون سلام تو جی آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی وہ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو رنگ ہوتے ہیں پہاڑوں کے وہاں آپ جو نظر آ رہے ہیں وہ بہار کے موسم میں سپرنگ میں ہوتے ہیں ابھی یہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ وہ رنگ ہیں لیکن کیونکہ ابھی موسم خشک ڈرائی موسم ہے تو وہ رنگ ابھی آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے اور ہے ادھر ہی میک سینس کہ جب سپرنگ ہوگا تو اس میں جو ہے وہ زیادہ خوبصورت وہاں نظر آئیں گے ابھی بھی یہاں اگر آپ دیکھیں اوپر کیونکہ سامنے سورج کی روشنی آ رہی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مختلف قسم کے ہیں کلرز وہاں پہ ہیں وائٹ نظر آ رہا ہے مجھے گرے نظر آ رہا ہے بٹ دس پلیس از بیوٹیفل ارے یہ سامنے جو پہاڑ ہے نا جی وہاں پہ رنگ جو ہیں وہ اس ٹائم تو مختلف ہیں لیکن وہ لائٹر کلر میں ہیں جہاں تک میرا خیال ہے کہ اسپرنگ میں یہاں پہ کلرز اور ہو جاتے ہوں گے اور دا سیم تھنگ از ہیئر اگر میں کھڑا کر آپ کو دکھاؤں اس طرف جو ہے رائٹ ہینڈ پہ یہاں پہ آپ یہ والا ذرا اس کا اسٹرکچر چیک کریں پہاڑ کا اس سن لائٹ میکس اٹ ایزیئر ٹو سی لیکن بہت ہی خوبصورت ہے یار یہ اصل میں تو شہر جو ہے یہاں پہ آ کے جو ہے نا رہنا چاہیے کیونکہ کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ آس پاس دیکھیں بڑے شہروں میں ہم جائیں وہاں پہ ہسٹری ہے یہاں پہ یہ نیچر بیوٹی ہے بٹ دس از ویری پیسفل ویری بیوٹیفل ویری کلرفل تو یہ ہے جی شہر مہانشان کا یار آپ یہ والے پہاڑیاں چیک کریں ان کے کلر آپ چیک کریں یار ایسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے لیکن یار مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ڈرون اڑانا مشکل ہوگا ہوا بہت تیز ہے لیں جی وی فائنلی میڈ اٹ ٹو دس پلیس وچ وی ور لوکنگ فار دی لاسٹ ٹو آورز آپ اس پہاڑ کے رنگ چیک کریں اس ٹائم کی خشکی ہے تو پہاڑ کے وہ رنگ نہیں ہے کہ جو اصل میں اس کے دکھتے ہیں فوٹوز میں اور پھر اصل یہاں کے ویو آپ ذرا چیک کریں نیچے سے چھوٹا سا دریا بہہ رہا ہے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں ٹریکٹر پہ اور سامنے یہ والا ویو اب یہ کیسے ہی یہاں پہ کام کرتے ہوں گے ان کے سامنے صرف یہ ویو ہوتا ہوگا ہر وقت لک ایٹ دیٹ اب تو جی ہم اس کوہ رنگی کے کوہ رنگین یا کوہ رنگی کے بیچ میں سے گزریں گے لک ایٹ دس یہ تو کوئی اور ہی دنیا ہے استاد لک ایٹ دس بس اس کو چیک کریں ذرا اس پہاڑ کو یہ تو لگتا ہے میں کسی اور پلانٹ پہ آ گیا ہوں مریخ پہ آ گیا ہوں اور اس طرف آس پاس میرے کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی ٹریفک ہے نہ کوئی اور مخلوق ہے کچھ بھی نہیں صرف یہ والے خوبصورت ترین پہاڑ ہیں اب اس میں شاید اس کے اندر جو ہے نا کافی سارے منرلز ہوتے ہوں گے آئی گیس مختلف قسم کے چاہے وہ سلفر ہو فاسفورس ہو آئرن ہو جو بھی لک ایٹ دیم یار
जरा मेरे इस हाथ पे आप ये वाले सामने ये वाले जो है कैनियंस इनको देखें जरा कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अभी हम जा रहे हैं जी एक एंशेंट फोर्ट एक है यहाँ पे आसपास तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर, उसका नाम है पहिस्तान पैलेस। वो रुइंस हैं बहुत ही पुराने, तो वो चल के देखते हैं। अभी यार आप इसके ऊपर चेक करें, इसकी चोटी के ऊपर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई हैं वो लग रहा है कि वो किसी ने हाथ से उसके ऊपर रखी हैं ऐसे बैलेंस करके। ब्यूटीफुल। और गैस इस कासल को हम जो है बाइक के ऊपर राइड करके इस ट्रैक के ऊपर हम इसको देख सकते हैं। बस मुझे अब ये डर लगा रहता है कि ये अब हालांकि ऐसा ऑफ रोड नहीं है, ये इतना ख़तरनाक किस्म का सिंपल सा ही है, लेकिन हमारी बिलो ने हमें डरा दिया भाई यार। ये यार मुझे ये जगह जगह पे नज़र आए हैं इस तरह के पॉन्ड्स, आई थिंक ये फिशिंग के हैं। हाँ इसमें फिश भी है वो देखें। और ये हमारे सामने है शलोस पहिस्तान, शलोस कासल, पहिस्तान कासल, पहिस्तान फोर्ट। अभी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आज से पता नहीं कितने सौ साल पहले जब लोग यहाँ पे आते होंगे इस कासल के लिए, तो उनके पास मोटरसाइकिल नहीं होता होगा कि वो फिर भी कुछ आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकें। तो आई गेस वो घोड़ों पे आते होंगे, हाथियों पे आते होंगे। हाथियों पे यहाँ पर तो खैर मुश्किल है, अलबत्ता घोड़े। सैंडस्टोन माउंटेन, तो उसके ऊपर ये हैंड कार्व्ड है, और ये कहते हैं तकरीबन ये 11वीं से 13वीं सदी ईस्वी का ये है, उससे पहले का भी हो सकता है, लेकिन वो उनको जो एग्जैक्ट जो उनको हिस्ट्री है वो उसको नहीं पता। तो उसके बाद से जो है यहाँ पे इस्लामिक जब यहाँ पे रूल आया था तो फिर ये वाला जो है कासल यहाँ पे उसको ये इस्लामी नाम उसको दिया गया था बेहिस्तान। इसमें काफ़ी सारे इसमें जो है रूम्स थे जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पे जानवर रखा जाता था, जहाँ पे स्टोर वगैरह करते थे। और ये है ख़तरनाक क्योंकि ये सैंडस्टोन हैं, तो लिखा हुआ यहाँ पे कि उसके ऊपर जो है कभी कभार कोई पत्थर वगैरह गिर भी सकते हैं, तो ज़्यादा करीब आप इसके ना जाएं।